हेलो गाइस, फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोग देख सकते हो अपने गेम में न्यू चैलेंज मोड आ गया है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अपने गेम की आप लोग कैसे चैलेंज मोड को ले सकते हो। और आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि आप लोगों को न्यू अपडेट में क्या क्या देखने को मिला है। और अभी तक आपने न्यू अपडेट नहीं किया अपने गेम में तो जल्दी से जाकर प्ले स्टोर पर इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम को सर्च करो और वहाँ से आप लोग अपने गेम को अपडेट कर लो। और आप लोगों ने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D प्लेगन ऐप को अभी अपडेट नहीं किया है तो जाकर प्ले स्टोर पर इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D प्लेगन ऐप को सर्च करो और वहाँ से आप लोग अपने गेम को अपडेट कर लो। वहाँ से अपडेट करने के बाद आप लोगों को गेम में न्यू हॉरर मोड देखने को मिलेगा और न्यू मोड आए हैं वो भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के न्यू अपडेट से रिलेटेड ऐसी वीडियो अपलोड करता रहता हूं। अगर आप लोग मेरी वीडियो पर नए हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। और अब बात करें कि आप लोग अपने गेम में न्यू हॉरर मोड को कैसे ले सकते हो और अपने गेम में न्यू चैलेंज मोड आए हो उसे कैसे भी ले सकते हो। तो आप लोगों को हॉरर मोड लेने के लिए सबसे पहले आप लोगों को प्ले स्टोर पर जाना होगा और प्ले स्टोर पर आप लोगों को इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D प्लेगन ऐप को अपडेट करना होगा और आप लोगों को इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम को भी अपडेट करना होगा। अपडेट करने के बाद आप लोगों को इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D प्लेगन ऐप को अपने गेम में ओपन करना है और ओपन करने के बाद वहां पे आप लोगों को चैलेंज मोड देखने को मिल जाएगा। तो चैलेंज मोड पर आप लोगों को क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप लोगों को वहां से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम को ओपन करना है और ओपन करने के बाद आप लोगों को जाना है अपने मोबाइल में। और मोबाइल में जाने के बाद आप लोगों को वहां पे आप लोगों को इंटरनेट वाला ऐप मिलेगा। तो वहां से इंटरनेट वाले, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने इंटरनेट वाला यहाँ पे ओपन कर लिया है, तो आप लोगों को इंटरनेट वाले ऐप में उस लिंक को पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद कुछ टाइम आप लोगों को वेट कर लेना है। वेट करने के बाद कुछ मिनट चलेंगे तो मिनट चलने देना और आप लोगों को अपने गेम में बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आप लोगों को चैलेंज मोड में जाना है तो वहाँ पर आप लोगों को न्यू चैलेंज मोड देखने को मिल जाएगा। और अब बात करें कि आप लोग ग्रैनी वाला चैलेंज मोड कैसे ले सकते हो, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ग्रैनी वाला चैलेंज मोड आप लोग तभी ले सकते हो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर दो इस वीडियो पर ग्रैनी चैलेंज। तो मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी ग्रैनी वाला चैलेंज ऐड करा दूंगा, क्योंकि आप लोगों के ही डिमांड से अपने रोहित भाई अपने गेम में न्यू चैलेंज मोड ऐड करते हैं। और आप लोग देख सकते हो अपने गेम में हॉरर मोड आया है, तो हॉरर मोड आप लोगों को मैंने बता दिया। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो इससे पहले वाली वीडियो आप लोग देख सकते हो, वहां से आप लोग अपने गेम में हॉरर मोड भी ले सकते हो। तो आप लोग चैनल के अंदर जाना तो इससे सेकंड वाली वीडियो देख लेना, तो आप लोगों के गेम में भी हॉरर मोड आ जाएगा अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है। तो अब बात करें कि आप लोग न्यू अपडेट में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलने वाला है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ज्यादा से ज्यादा अपने गेम में न्यू कार्स देखने को मिलने वाली है और अपने गेम में न्यू चैलेंज मोड भी देखने को मिलने वाले हैं। और आप लोगों को न्यू अपडेट में न्यू क्रॉस भी देखने को मिलने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी अपने गेम में न्यू अपडेट आने वाला है। और आप लोगों को मैं यही बता देता हूँ अपने गेम में एक बहुत तगड़ी सी गुड न्यूज है, तो वो गुड न्यूज आप लोगों को कल बताने वाला हूँ। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और मैं मिलता हूँ फिर से कल की नई वीडियो में। और आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखी उसके लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद।